नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल सबसे तेज सबसे आगे। आज हम आपके लाए हैं IPL रिलेटेड कुछ खास न्यूज। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ IPL से जुड़े तमाम खबरें के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। IPL का 11वां सीजन शनिवार 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ओपनिंग सेरेमनी के करीब 15 मिनट बाद पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। IPL में दोनों टीम के बीच बेहद कड़े मुकाबले देखने को मिलते रहे हैं। कई बार तो रोमांच बिल्कुल चरम पर होता है। चेन्नई की टीम IPL में वापसी कर रही है, वहीं मुंबई की टीम अपने होम ग्राउंड पर कतई हार नहीं बर्दाश्त करेगी। कौन है कप्तान? मुंबई की कप्तानी रोहित शर्मा जबकि चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करने वाले हैं। टीम इंडिया का मौजूदा टीमों में यह दोनों ही सितारे शामिल हैं, लेकिन IPL में दोनों टीमों की टक्कर देखने वाली होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है ओपनिंग मैच में तो कम से कम दोनों पे दबाव होगा ही। रोहित के फेवर में क्या क्या? रोहित शर्मा पिछले कुछ सीजन से मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। पहले मैच में उन्हें होम ग्राउंड का फायदा मिल सकता है। यह मैच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है। वानखेड़े की पिच आमतौर पर बैट्समैन फ्रेंडली यानी बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि जो बाद में बैटिंग करने उतरेगी उसे ओस का सामना करना पड़ता है। चेन्नई के लिए क्या क्या है फायदेमंद? धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स IPL में वापसी का जश्न जीत हासिल करके मनाना चाहेगी। उसके पास कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत दुनिया भर में मशहूर उनका कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी है। चेन्नई के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कुछ दिन पहले ही कहा था वो अपनी टीम का बैटिंग ऑर्डर बदलना चाहते हैं। फ्लेमिंग ने संकेत दिए थे कि वो धोनी के बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना चाहते हैं। आइए जानते हैं आखिर किसका है बल्लेबाजी पक्ष मजबूत। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की योजनाओं में मध्यस्थ रहेगा। वहीं अगर आंकड़े की बात करें तो हेड टू हेड कुल मैच 22 हुए हैं, जिसे मुंबई इंडियंस ने जीता है 12, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है 10। बात करें वानखेड़े स्टेडियम का रिकॉर्ड का तो दोनों टीमें आपस में तकरीबन 7 बार भिड़े हैं, जिसे मुंबई इंडियंस ने जीते हैं 5, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता 2। हाल के दिनों में मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले 3 मैचों में CS के खिलाफ जीत दर्ज की है। वहीं अगर कप्तानों की अनुभव की बात की जाए तो यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिनके पास रोहित शर्मा के मुकाबले कहीं ज्यादा अनुभव है। बात करें दोनों टीमों के कप्तान की आंकड़े की तो महेंद्र सिंह धोनी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 239 T20 मैच में कप्तानी किए हैं और रोहित शर्मा और MS धोनी ने IPL में तकरीबन 159 मैच खेले हैं। वहीं अगर बात करें IPL की तो दोनों टीम के कप्तान का रिकॉर्ड तकरीबन सेम है। तो आइए देखते हैं कल क्या होता है, आखिर कौन टीम बाजी मार ले आती है। पल पल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।